क्रिकेट की दीवानगी एक बार फिर इंदौर शहर की सड़कों पर है और मेरे पीछे जो आप नजारा देख रहे हैं इंदौर के होलकर स्टेडियम के बाहर क्रिकेट मैच शुरू होने के ठीक पहले जो फैंस है उनमें कितना उत्साह है ये आप साथ देख सकते हैं। टीम इंडिया की जीत के लिए जितने भी उनके फैंस हैं वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं और क्या उम्मीद रखते हैं क्रिकेट मैच को लेकर, आइए हम उनसे बात करें। बताएं किस तरह की उम्मीद के साथ आए जी, किस तरह की उम्मीद के साथ? हम इंडिया टीम की उम्मीद के साथ आए कि ये इंडिया में इंदौर में उसका जो रिकॉर्ड बना हुआ है एक भी हारना नहीं का, तो वो रिकॉर्ड बरकरार रहे। अभी तक के इंडिया टीम ने सारे मैच जीते हैं और ये मैच भी इंडिया जीतेगा। और हमें रोहित शर्मा, हार्दिक पटेल, पंड्या से बहुत बहुत उम्मीदें हैं और आज वो बहुत बड़े बड़े रनों की बरसात करें। और यहाँ रनों की बरसात की उम्मीद की जा रही है। वहीं कुछ फैंस हैं जो अपने पसंदीदा खिलाड़ी के साथ खिलाड़ी का जो मैच है वो देखना चाहते हैं और उस मैच को लेकर उनकी क्या धारणा है, किस तरह से वो इस मैच के लिए तैयारी कर आए, उनसे बात करते हैं। हार्दिक पांड्या के छक्के छक्के मारने वाला एक ओवर में आज और 220 रन बनाएगा और इंडिया धोनी का कमाल आज होगा। धोनी यहाँ पर टीम इंडिया के लिए और भी कई फैंस हैं जो यहाँ अलग अलग तरह की वेशभूषा धारण कर आए हैं। अभी हम बात करते हैं कि किस तरह से इस मैच को देखना चाहते हैं और किस तरह की उम्मीद है इस मैच को लेकर। मैच की उम्मीद इस प्रकार इसी है कि इंदौर में रनों की बौछार होना चाहिए। जिस प्रकार से इंडिया हर बार रन मारता है, इसी बार भी हर बार रन मारना चाहिए इंडिया को और रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या को इस प्रकार से रन की बौछार होना चाहिए यहाँ पे इंदौर शहर में। इंदौर का जो स्टेडियम है वो हमेशा इंडिया की टीम के लिए अजेय माना जाता है। यहाँ पर जितनी भी बार मैच हुए हैं हमेशा टीम इंडिया जीती है और आज जो खेला जाने वाला T20 मैच है जिसमें श्रीलंका और इंडिया की टीम खेलेगी उसको लेकर यहाँ पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और जितने भी प्रशंसक हैं वो इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि आज भी जो टीम इंडिया है वो यहाँ से जीत कर जाएगी और भारत जीत का परचम लहराएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ शार्दुल ठाकुर, एमपी न्यूज़, इंदौर।